आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। 16 दिसंबर 1971 को हमारी विश्व विजयी सेना ने पाकिस्तान को इस महायुद्ध में बुरी तरह से परास्त किया और उनके 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया। इसमें हमें भी क्षति पहुंची, हमारे करीब 3,900 सैनिक शहीद हुए और करीब 9,900 सैनिक हमारे घायल हुए। और जनरल मानेकशॉ, फील्ड मार्शल मानेकशॉ और जनरल जैकब ने और ईस्टर्न आर्मी कमांडर ने बहुत ही बड़ा उसमें योगदान दिया और ये हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली बात हमेशा इतिहास में रहेगी। आम नागरिकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भ्रांतियाँ हैं देश में, कुछ तत्व फैला रहे हैं, कुछ विषमताएँ फैला रहे हैं, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। ये लोग ऐसे तत्व हैं जो दुश्मन के गलियारों में खेल रहे हैं और इनसे हमें बचना चाहिए। देश को एकजुटता के रास्ते पे, विकास के रास्ते पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरी यही देशवासियों से अपील है। 1971 का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देश बने थे और एक किस्म से बांग्लादेश की मुक्ति का युद्ध था और मुक्त हुआ हमारे वीर सैनिकों की शहादत की वजह से, उनकी बहादुरी की वजह से। तो उससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अपने देश को अच्छा बनाएं, अच्छी ईमानदारी से काम करें, मेहनत करें। और शहीदों ने जिस लिए ये शहादत दी है कि देश के लोग शांतिपूर्वक रहें, फले फूलें, वो हमें करना चाहिए। प्रकाश जाखड़, गांव चौटाला। मैं 1979 में सेना भर्ती हुआ था। सेना भर्ती घरवाले से छुप कर ही हुआ था। वैसे तो हमारे भर्ती नहीं होने देते, क्यों, सरसा एरिया के अंदर आर्मी के अंदर बहुत ही घट जाते हैं और जाने नहीं देते घरवाले। 1971 में मैं वहाँ आसाम में था जहाँ बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है। 1971 में ये 2 दिसंबर को हम डिफेंस के अंदर चले गए थे और बॉर्डर पार कर दिया था। पाकिस्तान की सेना के साथ हमारी मुठभेड़ हुई। उसके बाद में हमारा एक जाट रेजिमेंट के अंदर कोमिला ग्राउंड है जहाँ हवाई अड्डा है, वहाँ हमने अटैक किया। तो पाकिस्तान ने सोचा भी एक जाट रेजिमेंट का ब्रिगेड आ गया है, तो वो छोड़ के भागे वहाँ से। कुछ हमने मार गिराए, कुछ भाग गए। उसके बाद में हमने आगे कोमिला की साइड एडवांस किया। पाकिस्तानी सेना आगे हथियार छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर दिया। हमने ढाका के चारों तरफ घेरा दिया। फिर वहाँ क्या, उसका जनरल था जनरल नियाजी, उन्होंने उसका दरबार लिया। बोले देखो, भारतीय सेना एक वाटरप्रूफ में है और तुम रजाई के अंदर लुगाइयों के पास सो रहे हो। उस टाइम हमारे पास यही दिसंबर का मिलना, बहुत सर्दी थी और हमने 95,000 पाकिस्तानी सेना जिंदा कैर किया, जो कि विश्व के अंदर हमारा भारत का रिकॉर्ड है। आज तक कोई इसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है। और आज हमारा देश खुशहाल था, लेकिन उसके बाद बीच में पाकिस्तान ने फिर दोबारा गड़बड़ शुरू कर दी। लेकिन हम फिर भी मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे और हमारी जो भी आगे बच्चे होंगे वो भी हमारी तरह ही देश की रक्षा के लिए कुर्बान होंगे।